संस्कार क्लासेस पिलानी सर्वाधिक चयन देने वाली एकमात्र संस्था। अब झुंझुनू की टॉप फैकल्टी एक ही मंच पर, गारंटेड बैच प्रारंभ। सरकारी नौकरी का सपना होगा अब पूरा संस्कार क्लासेस के साथ। नमस्कार, द इंक न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम पिलानी में इस वक्त पिलानी नगर पालिका के सामने हैं और यहाँ पे कुछ बच्चे प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं और इनसे जानेंगे कि वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। राज्य सरकार ने खेल के लिए कुछ नीतियाँ बनाई हैं, रणनीतियाँ बनाई हैं और उस पर काम चल ही रहा है। कल ही हमारे झुंझुनू जिले की एक लिस्ट निकली थी जिन्होंने खेल में भाग लेने के लिए राज्य सरकार से को आवेदन किया था, लेकिन यहाँ पे पिलानी में बच्चों की जो समस्या है वो दूसरी समस्या है, खेलों से ही जुड़ी समस्या है। इन्हीं से जानेंगे इनके सामने वो क्या संकट इनके सामने आ रहा है, क्या समस्या पैदा हुई है इसमें। मैं यहाँ से जीरो से स्टेट प्लेयर बना हूँ और मैं नेशनल के लिए तैयारी कर रहा हूँ और मैं प्रैक्टिस करने के लिए मुझे यहाँ पर रोका जा रहा है। कई दिनों से प्रैक्टिस करने नहीं दे रहे हैं तो अब मैं प्रैक्टिस करने कहाँ जाऊँ। अगले महीने मेरे इवेंट है तो इसके लिए मुझे ग्राउंड चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैं कहाँ जाऊँ प्रैक्टिस करने, ये समस्या आ रही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल सैनी है। कहाँ से हैं? मैं ये पिलानी से हूँ, लोकल हूँ, पिलानी से प्रैक्टिस करता हूँ और नेशनल की तैयारी कर रहा हूँ कि नेशनल इस बार मेडल के लिए तैयारी कर रहा हूँ, तो प्रैक्टिस करने नहीं दी जा रही है, ग्राउंड में बंद कर दिया जा रहा है। तो यहाँ कौन से ग्राउंड में आप जाते थे पहले? यही बिल्डा ग्राउंड में जाते थे और ये पहले गौचर भूमि थी, अब इसको रोक कर ये अपना ग्राउंड बना रहे हैं। अभी क्या बोल रहे हैं आप जा रहे हैं? हम जा रहे हैं तो ये बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे हमारे बच्चे आएंगे, अदर बच्चे नहीं आएंगे, हम कहाँ जाएंगे। ताला लगा दिया, तालो लगा दिया और हमें जाने नहीं दिया जा रहा है वहाँ पे। आप कब से जा रहे थे खेल मैदान? हम शुरू से जा रहे थे। अब जाने नहीं दिया जा रहा है? नो। कब गए थे लास्ट टाइम? लास्ट टाइम सर पहले से जा रहे थे। अच्छा, अभी लोक लगा दिया कमल ले क्या? खेल मैदान में आप कब से जा रहे हैं और कब से प्रॉब्लम आ गई आप लोगों के सामने? सर मैंने, मेरे को नौ साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, मैं नेशनल प्लेयर हूँ खुद और अभी जब प्रैक्टिस करें तो बच्चों को मना किया जा रहा है। सर काफ़ी बच्चों, पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स को सपोर्ट किया जा रहा है और दुनिया को स्पोर्ट्स में मेडल चाहिए और जबकि ज़मीनी हालात क्या हैं कि ग्राउंड तक बंद कर दिया जा रहा है, वो ज़मीन का टुकड़ा है उस पर भी नहीं खेलने दिया जा रहा है। सर तो शिक्षा नगरी के, पिलानी शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है और इस वक्त सबसे बड़ी समस्या यहीं पर आ रही कि ये भी एक शिक्षा का भाग ही है खेल, और जब सरकारें इसको प्रोत्साहन दे रही वहीं दूसरी तरफ इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की है सरकारों ने। जी सर, जिस गांव में 20 घर हैं उनके लिए भी जोड़ में एक मैदान है, यहाँ पे 20,000 लोग हैं पिलानी में, उनके लिए सार्वजनिक कोई मैदान नहीं है। अब बिरला ने कर रखा था स्टार्टिंग से सार्वजनिक मैदान, अब वो अचानक उसको बंद कर रहा है। अब बच्चों की भर्ती है किसी के गेम आ रहे हैं, अचानक बच्चे, भाई कोई ग्राउंड ही नहीं है धरती, या तो हमें कोई धरती दो या फिर वहाँ पे करवाओ, कोई स्टैंडर्ड कोई 400 मीटर का कोई ट्रैक ही नहीं है यहाँ पे बच्चों के पास, तो कहाँ प्रैक्टिस करें। अब ये बच्चे ऐसे हैं जो स्टेट नेशनल लेवल के हैं, इनको पूरी फैसिलिटीज चाहिए और इनको फैसिलिटीज़ पे क्या मिलता है? ग्राउंड, जो ज़मीन का टुकड़ा है वो भी नहीं दिया जा रहा, वो भी छीना जा रहा है इनसे, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है सर। तो ये बच्चों का दुख दर्द आप देख सकते हैं, इनकी जुबान में भी झलक रहा है। ये नेशनल प्लेयर रहे हैं और नेशनल प्लेयर के सामने इस तरीके की समस्याएं आ रही हैं और सरकार बड़े बड़े दावे करती हुई नज़र आ रही हैं। आज हमारे इस प्रोटेस्ट में राजकुमार जी पार्षद हैं, सपोर्ट करने के लिए आए हैं, और किसान यूनियन से हैं अनुराग जोया जी और अनिल पायल जी हैं, इनसे भी जानेंगे, सपोर्ट करने आए इनको। तो इन क्या उनकी मांगे हैं, आप लोगों की मांगे इनको आप प्रोटेस्ट को आगे बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल सर, कहने को तो ये पिलानी शिक्षा की नगरी है लेकिन यहाँ जितना शिक्षा का व्यापार हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा है। यहाँ हमारे बाप दादा इस ग्राउंड पर खेल कर और यहाँ प्रैक्टिस करके यहाँ हमारी फौजों में यहाँ के बढ़िया पीटीआई यहाँ के कोचेज बने हैं। आज यहाँ के बच्चे, अभी जो EIC एकमात्र एक ग्राउंड है यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। अब बिरला ने इस खेल मैदान पर अपना ताला लगा दिया है, क्या बच्चे अब इस ताला लगाने के बाद में प्रैक्टिस कहाँ करेंगे? बिरला के यहाँ से ताला लगाने के बाद में क्या ये बच्चे रोड पर प्रैक्टिस करेंगे? यहाँ से सबसे ज़्यादा झुंझुनू ज़िले में शहीद जो इस हिंदुस्तान को दिए हैं इसी झुंझुनू ज़िले ने दिए हैं। यहाँ के हमारे बाप दादाओं में बड़े होकर खेलकर यहाँ फौज में, यहाँ अर्धसैनिक बलों में, यहाँ पुलिस में, यहाँ PTI के रूप में हमारे यहाँ देश को पूरा सहयोग दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ का जो युवा है अब कहाँ जाएगा, ये सबसे बड़ी
समस्या हमारे इस युवाओं के सामने है। ये समस्या इनके सामने नहीं है, आने वाली पीढ़ी के सामने भी ये समस्या है। तो अभी आपकी रूपरेखा क्या है आंदोलन को लेकर? हमारी रूपरेखा लोकतांत्रिक तरीके से आज केवल और केवल सांकेतिक प्रदर्शन है। आज सांकेतिक हम यहाँ पिलानी में रैली निकालेंगे। रैली निकालने के बाद में हमारी इस बात पर अगर विचार नहीं किया गया तो सोमवार से इसी स्थान पर हम यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे और जरूरत पड़ी तो यहाँ आमरण अनशन तक भी करेंगे। यहाँ हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए और इन युवाओं के भविष्य के लिए हम मरने के लिए भी तैयार हैं। अनुराग जोया जी, सरकार को अभी तक आपने कोई ज्ञापन वगैरह इस मामले में दिया, संज्ञान में लाए हैं क्या? नहीं सर, अभी तक तो क्या है कि बातचीत से ही काम चल रहा था। कई बार उनसे मैसेज पहुँचा है उनको, लेकिन उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। अगर इसके अलावा, इसके बाद भी अगर कोई उनकी तरफ से जवाब नहीं आता तो प्रशासन को आगे तक ज्ञापन भी दिया जाएगा। और जैसा कि भाई साहब ने बताया, हम यहाँ से आंदोलन की तरफ भी अग्रसर करेंगे। तो ये इस वक्त हम पिलानी नगर पालिका के सामने से हैं। बच्चों के लिए खेल मैदान नहीं है, सरकार खेल में खेल खेल रही है बच्चों के साथ। तो ये बड़ा गंभीर मामला है, समस्या है बच्चों के सामने भी। यहाँ पे आपने देखा है नेशनल प्लेयर भी हैं, उनके सामने ये संकट है कि वो खेल की प्रैक्टिस कहाँ पे करें। तो इस समय यही सबसे बड़ी समस्या इन बच्चों के सामने है कि खेल का बड़ा संकट है और सरकार खेल में खेल खेल रही है इनके साथ में।